वेरी गुड मॉर्निंग. आज मैं बस ऑफिस जाने वाली थी लेकिन मुझे थोड़ा सा टाइम मिल गया तो मैंने सोचा एक छोटी सी वीडियो बना लेती हूँ. जो छोटी सी वीडियो है डेफिनेटली मोटिवेशनल पार्ट की है और वो है कि जो अभी तक सीरीज चल रही थी हम लोगों की द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड जो बुक थी इसके बारे में जो चल रहा था, इसमें जो है एक टॉपिक आया था कि एवरीबडी प्रेज, सब लोग प्रे करते हैं, है ना, लेकिन उन सब की क्या विशेष पूरी होती है, ये क्वेश्चन था. तो उसका आंसर होता है नहीं, क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं मैंने भगवान से इतना मांगा लेकिन वो नहीं मिला. क्योंकि मैंने हर बार आपको बोला है, देखिए सिर्फ मांगने से, भगवान से प्रे करने से या सिर्फ इमेजिन करने से कुछ चीज़ नहीं मिलेगी आपको, ठीक है, आपको उसके लिए मेहनत भी करनी पड़ेगी. जब आप दोनों चीज़ें करेंगे कि आप कर भी रहे हैं और आप उसको सोच भी रहे हैं, इमेजिन भी कर रहे हैं, तब वो चीज़ें आपको मिलेंगी, ठीक है. एक सेकेंड, ये डिस्टर्ब कर रहा है थोड़ा, ये बार बार हिल रहा है तो मुझे दिख रहे हैं. ओके, सो पहली चीज़ तो ये थी कि आपको दोनों चीज़ें कॉम्बिनेशन में करनी पड़ेगी. दूसरी चीज़ होती है कि जो आप इमेजिन करते हैं, जब आप इमेजिन करते हैं कोई चीज़ तो उस पर आपको बिलीव होना चाहिए, उसको आपको ट्रस्ट करके रखना पड़ेगा, मानना पड़ेगा ऐसा कि ये सच में मेरी लाइफ में होता है. एंड बी कॉशन, मतलब बी कॉन्शियस अबाउट योर थॉट्स, वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, उस चीज़ को आपको ध्यान रखना है. क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड क्या है, आप ये देखें, एक स्लेट होती है ना, स्लेट जिसे बोलते हैं, एक ब्लैक बोर्ड मान लीजिए, एक स्लेट मान लीजिए, एक ब्लैंक पेज, खाली पेज मान लीजिए, उसके अंदर क्या चीज़ आपने डालनी है, क्या आपने लिखना है, वो सब कुछ सिर्फ आपके ऊपर डिपेंड करता है. जो हमारा कॉन्शियस माइंड होता है, जो फ्रंटल लोब हमारा होता है, ये जो होता है रिसीव करता जाता है. बट आपको अपने दिमाग में क्या चीज़ें रखनी है, अच्छी चीज़ें रखनी है या बुरी चीज़ें रखनी है, पॉजिटिव रखना है या नेगेटिव रखना है, वो आप कॉन्शियस माइंड में जो चीज़ें आपकी जाती हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करते हैं, आपके कॉन्शियस माइंड से कि कैसे उसमें आपने क्या चीज़ लिखनी है. तो आपको ध्यान रखना है कि वो चीज़ें पॉजिटिव होनी चाहिए, आपने पॉजिटिव चीज़ें ही सिर्फ उस पर लिखनी है, ठीक है. और अगर आपको एक दिन करने पर, दो दिन करने पर, तीन दिन करने पर भी विश्वास से नहीं हो रहा है ना, तो भी कीप डूइंग इट एटलीस्ट फॉर 21 डेज. कोई भी हैबिट बनाने के लिए, चाहे अच्छी हो चाहे बुरी हो, कोई भी आदत अगर आप बनाना चाहते हैं 21 दिन आपको सिर्फ देने हैं. आप ये सोचिए सिर्फ वो 21 दिन आपकी पूरी लाइफ चेंज कर देंगे, पूरी लाइफ. जो हमारे ड्रीम्स हैं, जो हम हमेशा से पाना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि अच्छा स्टैंडर्ड हमारा हो, हम भी अच्छे से जिए, ये जो साज श्रृंगार सजना संवरने जो चीज़ें होती है ना, देखिए तभी अच्छी लगती है. मेरा ऐसा मानना है जब आप कुछ हो या आपने जो अपने लिए सोचा हुआ था अब आप वो चीज़ पा चुके हैं, आप उससे सेटिस्फाइड है ना, तभी ये सब चीज़ें अच्छी लगती है. नहीं तो एक टाइम था मैं सच में, आज तो मैंने आईलाइनर लगाया हुआ है, यूजली मैं नहीं लगाती जाती हूँ, और ऐसे ही पहले भी कभी नहीं लगाती थी इतना. तो वही चीज़ है कि आप अपने एक विश को जो मार के बैठे हो ना अभी, वो आगे पूरी हो उसके लिए क्या ज़रूरी है कि कॉन्शियस होकर सबकॉन्शियस में चीज़ें घुसानी है. कॉन्शियस होकर सबकॉन्शियस में, सबकॉन्शियस माइंड में आपको चीज़ें डालनी है, ठीक है. तो अभी इस वीडियो को मैं कर रही हूँ एंड, मेरे को जाना है ऑफिस में, हो जाओगे नहीं तो लेट, ओके. और आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके आगे का बताऊँगी ज़रूर. टिल देन पढ़ते रहिए and keep practicing. Bye-bye.